अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, तो इसमें आपने करना ये है कि एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। अब बेटा फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें आपने जो आपको यहाँ पे नंबर्स जो गिवन है, आपने करना ये कि आपने इनके आंसर को, इनके सम को एस्टिमेट करना है। अब व्हाट इज मीन बाय एस्टिमेशन, ये बेटा आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जो आप कह लें कि आपके पास कैसे आता है कि आपके पास जो नंबर्स है ना, आपने उनको राउंड ऑफ करके उनको प्लस कर देना है, ठीक है। तो वो जो आंसर होगा वो होगा एस्टिमेटेड आंसर, वो एक्चुअल आंसर तो नहीं होगा लेकिन बहुत क्लोज होगा एक्चुअल आंसर के, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने इसको वेरीफाई भी करना होगा कि आपकी जो एस्टिमेट वैल्यू है क्या वो एक्चुअल आंसर के इक्वल आई है या नहीं आई, या उसके क्लोज आई है या नहीं आई। तो फर्स्ट बेटा आपने करना ये है कि आपने इसको एस्टिमेट करना है, ठीक है। जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो आपने ये नंबर्स राउंड ऑफ करने, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड आंसर, एस्टिमेटेड वैल्यू आप कह लें, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, उसमें बेटा आपने इस नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करें, यहाँ पे ये जो इसका 10th प्लेस पे डिजिट है डेसिमल के बाद वो 9 है। जब इस तरह का डिजिट आए जो 5 से बड़ा हो, ठीक है, या 5 ही हो, तो आपने जो आपका होल नंबर है, ठीक है, उसको आपने 1 इंक्रीज कर देना है। तो ये बन जाएगा 53, ठीक है। यानी कि आपने 53 में ऐड करना है किसको, अब आप इसको राउंड ऑफ करें, यहाँ पर भी 9 है तो ये 18 बन जाएगा। तो आप यहां पे 18 को ऐड करेंगे किसके अंदर, 53 में। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 71। तो ये हमारे पास है इस इन नंबर्स की एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। अब आपने इन नंबर्स को एक्चुअल में ऐड करना है, ठीक है, प्रॉपर मेथड के थ्रू। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, आप ऐड करेंगे, ठीक है, जो आप यहां पर आप लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, वो बेटा आपने अब इन नंबर्स को प्लस करना है प्रॉपरली, ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप ऐड करेंगे 52.90 और इसमें हमने प्लस करना है 17.98 को, ठीक है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8+0, यहाँ पे 8 ही आएगा, 9+9 18, 18 का हम यहाँ पे लगाएंगे 8 और यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे। अब 7+2 9+1 10 का यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 5+1 6+1 7, तो ये हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आता है वो है 70.88, ये हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर है। और जो आपने एस्टिमेट किया था वो क्या था, वो 71 था। यानी कि आपने जो एस्टिमेशन की थी वो आंसर वेरी क्लोज है किसके, आपके एक्चुअल आंसर की, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे सो आर एस्टिमेशन इज करेक्ट, ठीक है। यानी कि जब आपके पास जो आपका एस्टिमेटेड आंसर है वो बहुत क्लोज आए आपके एक्चुअल आंसर के, तब आपने यहाँ पे लिखना ये है कि आपका जो एस्टीमेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं। उसमें आप ऐड करेंगे 630.1 को, तो जी बेटा अब इसमें आपने इन नंबर्स को पहले तो आपने करना है एस्टिमेट, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो इनका एक्चुअल आंसर है, फिर आपने वो निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप इनको करें एस्टिमेट। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो आपका 10th प्लेस पे डिजिट है वो 1 है, 5 से लेस है, तो आपने जैसे जो आपका होल नंबर है, ठीक है, इसी को आप यूज़ करेंगे, बिकॉज आपने फिर इसमें कोई नंबर ऐड नहीं करना। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 630 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये हम निकाल रहे हैं इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू,
ओके अब इसमें हम प्लस करेंगे जो आपका सेकंड नंबर है 280.9, इसमें इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो इसकी जो टेंथ प्लेस है ठीक है ये डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 9 है, नंबर 5 से बड़ा है ठीक है, तो जब आपके पास डिजिट 5 से बड़ा आ जाए तो फिर आपने उसके प्रीवियस डिजिट में एक प्लस कर देना होता है, तो यहाँ पे आएगा 0 की बजाय 1 तो 281 बन जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 281। अब आपने इनको ऐड करना है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन स्पेस में, वन स्पेस को ऐड करें 0+1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8+3 11 का 1 यहाँ पे लगा दें ठीक है, और 1 कैरी कर लें नेक्स्ट जो आपकी प्लेस वैल्यू है, 6+1 7+2 9, तो ये आपके पास इसकी एस्टीमेट वैल्यू आ गई है ठीक है 911। अब बेटा आपने इसकी जो एक्चुअल, इसका एक्चुअल जो आंसर है ठीक है इन नंबर्स का ऐड करने से जो आएगा अब वो आपने निकालना है ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, अब उसमें आपने इन नंबर्स को ऐड करना है ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी, नंबर्स हमारे पास हैं 630.1 और उसके बाद सेकंड नंबर है 280.9, दोनों को प्लस करें, जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो फर्स्ट आपकी जो टेंथ प्लेसेस हैं वहाँ पे 9 और 1 को आपने ऐड करा तो आएगा आपका 10, उसका यहाँ पे लगा दें 0 और 1 यहाँ पे कैरी कर दें, तो यहाँ पे आ 0+0 और 1 तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा ठीक है, 8+3 यहाँ पे हम लगा देंगे 11 का यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, नाउ 6+1 7+2 9, तो ये हमारे पास आ रहा है 911, एग्जैक्ट वही आ रहा है ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप जो आपका आंसर है एस्टिमेटेड वो बिल्कुल करेक्ट आया है कि इसके आपकी जो एस्टिमेशन थी, यानी कि ये आपकी एक्यूरेट क्या थी, एस्टिमेशन थी ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आर एस्टिमेशन इज करेक्ट, आर एस्टिमेशन is correct। तो बेटा आप इस तरह आपने इन नंबर्स को प्लस करना है थ्रू एस्टिमेशन और थ्रू एक्चुअल जो आपके पास एडिशन है ठीक है, तो इस तरह आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद एज अ होमवर्क उनको सॉल्व करना है। हम अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो जी बेटा अब हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो आपने यूज़ करना है ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ पे हमने प्लस किया था, लेकिन जो आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने ऑपरेशन यूज़ करना है वो सब्ट्रैक्शन का है ठीक है, तो सिंपल आपका फिनोमेना कॉन्सेप्ट वही है ठीक है, पहले आपने करना है इनको एस्टिमेट, उसके बाद आपने इनका जो एक्चुअल आंसर है वो आपने निकालना होगा ठीक है, तो फर्स्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो मेथड फर्स्ट एस्टिमेशन का ठीक है, तो पहले आपने इसको एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करेंगे जब एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास आएगी, उसके लिए आपने जो आपके पास दोनों नंबर्स हैं उनको आपने राउंड ऑफ करना है, दोनों को अलग अलग से ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे 22.30 है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो 3 है, 5 से कम है, तो जस्ट हम जो आपका यही होल नंबर है इसी को यूज़ करेंगे ठीक है, तो 22 यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से, अब आपके पास ये 17.99 है, वेरी क्लोज टू 18 ठीक है, जब यहाँ पे 9 आ जाए टेंथ प्लेस पे तो ये 5 से बड़ा डिजिट है, तो फिर आपने ये जो आपका डिजिट है टेंथ वंस प्लेस पे ठीक है डेसिमल से इस तरफ, इसमें आपने 1 प्लस कर देना होगा, तो ये बन जाएगा 18 ठीक है, बिकॉज जब आप एस्टिमेट कर रहे होंगे तो आपने जस्ट होल नंबर्स आपने यूज़ करने हैं ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22-18 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हमारे पास है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हमने इसका जो एक्चुअल आंसर है थ्रू सब्ट्रैक्शन प्रोसेस वो हमें निकालना होगा ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू, अब वो कैसे आएगी, उसके लिए बेटा आपने अब ये जो आपके गिवन नंबर्स हैं क्वेश्चन के अंदर अब आपने इनको प्रॉपर सब्ट्रैक करना है ठीक है, यानी कि आप सब्ट्रैक करेंगे 22.30 को किसमें से 17.99 ठीक है, इसको सब्ट्रैक करेंगे, अब सब्ट्रैक करने के लिए आपको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट साइड ठीक है, 0 में से 9 सब्ट्रैक नहीं होते, तो हम करेंगे बोरो फ्रॉम 3-1 ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 10, अब इस 10 में से आपने सब्ट्रैक करने हैं 9 तो 1 बचेगा और यहाँ बच गया था 2,
अब अगेन इस टू में से नाइन दो सब्ट्रैक हम नहीं कर सकते ना, फिर क्या करेंगे, फिर अगेन यहाँ से एक बोरो करेंगे टू से, तो यहाँ पे बच जाएगा वन और यहाँ बन जाएगा ये वन, इधर आएगा तो ट्वेल्व इसमें से, ठीक है। तो अब आपने इस ट्वेल्व में से बेटा सब्ट्रैक करने हैं, नाइन तो क्या बचता है, यहाँ पे थ्री आएगा डेसिमल। अब वन में से अगेन सेवन को हम सब्ट्रैक नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक वन बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा इलेवन। और अब आपने इस इलेवन में से सब्ट्रैक करने हैं सेवन को, तो यहाँ पे आएगा फोर, ठीक है, यहाँ पे वन बच गया था। अब इस वन में से वन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हम यहाँ से वैसे रेज कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर आया है वो है 4.31। आपका जो एस्टिमेटेड आंसर था वो क्या था, वो जस्ट फोर था, और जो आपका एक्चुअल आंसर है वो क्या है, वो हमारे पास है यहाँ पे 4.31। तो बहुत क्लोज क्लोज है, दोनों का जो होल नंबर है वो सेम है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एस्टिमेशन है वो ऑलमोस्ट क्या है, करेक्ट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आर एस्टिमेशन इज करेक्ट, आर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो इस तरह बेटा आप ये सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसको आपने फॉलो करना है। अब इसके बाद बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आपको नंबर्स गिवन है जिनको आपने अगेन सब्ट्रैक्ट ही करना है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 78.92, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 69.11 को, ठीक है। तो पहले आप करेंगे थ्रू एस्टिमेशन, ठीक है, पहले आप इसको एस्टिमेट करेंगे सब्ट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, फिर आप इसका जो एक्चुअल आंसर है फिर आप वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेशन के थ्रू इसकी निकालते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, उसमें आपने इन नंबर्स को अब राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 78.9 है, ठीक है, तो हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 79, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे 79, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 69.11 है, तो जो आपका टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो 1 है, 5 से लेस है, तो हम जो आपका होल नंबर वही वाला है इसी को यूज़ करेंगे विच इज़ 69। तो अब आपने बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 79 में से आपने 69 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो क्या बचता है, 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, ये आपका इसका फाइनल आंसर है, ये इसकी कहने की एस्टिमेटेड वैल्यू है। अब आपने इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल आंसर है थ्रू सब्ट्रैक्शन वो निकालना है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअल आंसर, एक्चुअल आंसर, एक्चुअल वैल्यू, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 78.92 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 69.11, तो ये हमारे पास क्या होगा, अगेन आपने टू में से क्या निकालना है, वन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास वन बचेगा, नाइन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे एट आएगा, और डेसिमल उसके बाद, एट में से नाइन को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 18, 18 में से आपने 9 निकालने हैं तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 6 ही बच गया था, 6 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। तो आपके पास जो आंसर आया है, जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, 9.81, जो कि 10 के बिल्कुल कह रहे हैं कि पास पास ही है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल आंसर है या आपकी जो एस्टिमेशन है वो क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे आर एस्टिमेशन इज करेक्ट, एस्टिमेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने ये जो ऑपरेशन, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने सॉल्व करने हैं। एक्चुअल में इनका पर्पस पता क्या है, इनका पर्पस ये है कि आपकी जो मेंटल मैथ है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, बिकॉज आपने प्रोसेस जो है बार बार प्रॉपर उसको स्टेप्स के थ्रू करके, लाजमी नहीं कि आप स्टेप्स के थ्रू इसको फॉलो करें और आंसर निकालें, आपकी जो मेंटल मैथ है ना एस्टिमेशन के थ्रू ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो असल पर्पस इन क्वेश्चन का ये है कि आपकी जो मेंटल मैथ है वो क्या हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो आज का लेसन है ये ख़त्म होता है। अब बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।